आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ है। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो, यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। भाइयों और बहनों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिल जाए। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है, उसे भरने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कांग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है, कुर्सी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है। न विजन है, न संकल्प है, न कुछ करने का इरादा है, बस कुर्सी हथियाना, कुर्सी से दोस्ती, यही उनका कारोबार है। अब देखिए, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में जिनके साथ इनका गठबंधन है, वो पश्चिम बंगाल में इनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, केरल में लेफ्ट को गाली देते हैं, पश्चिम बंगाल में कुर्सी की आस में लेफ्ट को गले लगाते हैं, खुद को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं। सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता, इसी कारण अब कांग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। भाइयों और बहनों, असम ने तो इनको बरसों तक परखा है। असम के मूल निवासियों के साथ कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। यहां के मूल निवासी कब से जमीन का अधिकार मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया ही नहीं। ये एनडीए की सरकार है जिसने 3.25 लाख से ज्यादा जमीन के पट्टे दे दिए हैं, बाकी भी बहुत जल्द लोगों को मिल रहे हैं।